लास्ट सेशन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं, एक मैनुअल नॉलेज इंजीनियरिंग, और मैनुअल नॉलेज इंजीनियरिंग में हमने तीन तरह के लेक्सिकॉन देखे, एक वर्डनेट, दूसरा सेंटिमेंट लेक्सिकॉन, तीसरा इमोशन लेक्सिकॉन। अच्छा, सेंटिमेंट लेक्सिकॉन का मकसद सिर्फ ये होता है सेंटिमेंट एनालिसिस में कि हम मैसेज की या कमेंट की पोलैरिटी बताएं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिस चीज की बात हो रही है उसके बारे में ये पॉजिटिव राय रखता है या नेगेटिव राय रखता है। इमोशन लेक्सिकॉन में या इमोशन एनालिसिस में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस को डील कर रहे होते हैं, एंगर, एंटिसिपेशन, डिस्कस्ट वगैरह। और ये सारे काम, जैसे स्टार्ट में कहा था कि आपके मैनुअली करने के लिए होते हैं। उसके बाद कुछ लेक्सिकॉन या कुछ सेमेंटिक रिसोर्सेज जो मैनुअली क्रिएट होते हैं हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। एक जो है प्रॉप बैंक, जो सेमेंटिक रोल्स को मॉडल करता है, फिर फ्रेम नेट और वर्ब नेट। जब हम सेंटेक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम इनको देखेंगे, क्योंकि ये रेफर कर रहे होते हैं सेंटेक्स को। नाउ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इसलिए जरूरी है कि अगर आप वर्डनेट बनाने बैठे तो अच्छा खासा काम होता है कि आप उर्दू के या पश्तो के या बलोची के 50,000 वर्ड्स आपने लिए और हर वर्ड के बारे में आप बता रहे हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, डिक्शनरीज कंसल्ट कर रहे हैं कि डिक्शनरीज से पता चल जाए कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका ये किसकी काइंड है, इसके पार्ट क्या है, ये किया किस चीज का पार्ट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है। फिर बैठकर आपसे कहा जाए कि सारे पॉजिटिव वर्ड्स सोचो, जैसे अभी हमने देखा कि 2006 पॉजिटिव वर्ड्स थे किसी लेक्सिकॉन में, हमसे कहा जाए बैठ के लिखें तो शायद हम 20-25 से ज्यादा ना लिख पाए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है, मौजूद है, होती है, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड होती है और हम उसे एक्सप्लिसिटली नहीं बता सकते। तो क्या ये नॉलेज हम मशीन लर्निंग से ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हैं, ये असल टॉपिक है। मशीन लर्निंग से जो हम लर्न कर सकते हैं उसका सिंपल रूल ये है कि डिस्कवरिंग करना क्या है, हमें सेमेंटिक यूजिंग कॉर्पस। कॉर्पस इज लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। मैंने थाउजेंड्स ऑफ वेब पेजेस डाउनलोड कर ली अपने पास, थाउजेंड्स ऑफ न्यूज अपने पास डाउनलोड कर ली। अब उन न्यूज को प्रोसेस करके हम कोई क्या सेमेंटिक्स बना सकते हैं वर्डनेट जैसी, तो वो हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक सिंपल रूल यह है कि यू शैल नो अ वर्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ, बाय कंपनी इट कीप्स। सिमिलर वर्ड सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, आई रीड अ नॉवेल, तो बुक हो गया और नॉवेल हो गया, दोनों एक ही रीड के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों सिमेंटिकली सिमिलर होंगे। आई ईट बर्गर, आई ईट बिरयानी, बर्गर और बिरयानी क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, ईट के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दोनों सिमेंटिकली सिमिलर होंगे। इसी रूल को यूज करते हुए हम डिफरेंट काम करते हैं। अच्छा, ये इसी इंट्यूशन को बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, क्योंकि नॉलेज हमें तो होती है लैंग्वेज की, कंप्यूटर को नहीं होती। कंप्यूटर को कॉर्पस दे दें तो उसमें से उसे डिस्कवर करना होता है, तो ऐसी चीज लैंग्वेज उसके लिए होती है जो उसे नहीं पता। जैसे मुझे चाइनीज का कॉर्पस दे दें, उससे कहें इसमें सेमेंटिक रिलेशन मालूम करो, तो मैं किस तरह से करूँगा। उसके लिए यह है कि हमें कुछ वर्ड्स के माइनिंग पता है और बाकी वर्ड्स की मीनिंग हम उनकी मदद से कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स एक तरह से इस्तेमाल होते हैं तो हम कहेंगे इनमें कुछ सिमिलर है, क्या सिमिलर हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, ये ओंग चॉय जो है, ये तीन इसकी इस है कि इट इज अ डिलीशियस सॉल्टी विथ गार्लिक, इट इज अ सुपर्ब ओवर राइस, इट्स लीफ विथ सॉल्टी सॉस। तो यहां से देखने से ही हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा कि या ये कोई खाने की चीज है जिसमें लीफ भी मौजूद होती है और राइस के साथ खाई जाती है। तो ये यहां से हम ये गैस कर सकते हैं कि खाने की कोई चीज है, लीव्स होती है, तो हो सकता है लीव वाली जो सब्जियां होती हैं उन जैसी हो, पालक टाइप की। और तो ये हमें पता चल गया, और ये भी पता किस तरह से चला, हमने कहा कि ये राइस के साथ खाते हैं, गार्लिक यूज हो रहा है, राइस यूज हो रहा है, तो यकीन नहीं होगी खाने की चीज होगी, और लीव्स हैं तो इसका मतलब है कि लीव वाली सब्जी होगी, पालक और
दूसरी चीजों की तरह। तो ये इंफॉर्मेशन इसी तरह से कंप्यूटर भी चीजें इन्फर कर देता है। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐड की हैं, मेरे ख्याल में टाइम कम हो रहा है तो हो सकता है मैं जल्दी स्किप कर दूं। कौन से वर्ड सिमिलर बिहेव करते हैं, क्या अगर मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती उसके बावजूद मैं देख के बता सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल चार नॉवेल्स हैं और उन चार नॉवेल में डिफरेंट वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी है कि वर्ड वन जो भी है वो बुक हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो डोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नॉवेल वन में एक दफा आया है, नॉवेल टू में 0 टाइम्स आया है, नॉवेल थ्री में 7 दफा आया है, नॉवेल फोर में 13 दफा आया है, वर्ड टू वो कुछ भी है वो नॉवेल वन में 14 टाइम्स आया है और नॉवेल टू में 80 टाइम्स आया है। तो हमने सिर्फ वर्ड्स की सेमेंटिक्स, वर्ड्स की काउंट कर लिया, और क्या इन काउंटिंग से हम कुछ लर्न कर सकते हैं कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे से सिमिलर है? इसमें अगर आप देखें कि ये सिर्फ ये फ्रिक्वेंसी के वो किस उस नॉवेल में कितनी दफा इस्तेमाल हुए हैं या उस शॉर्ट स्टोरी में कितनी दफा इस्तेमाल हुए हैं, हम इसमें क्या क्या चीजें लर्न कर सकते हैं? एक बात तो ये कि वर्ड वन, जैसे हम ये देख रहे हैं आपका डाटा, तो जनरली इसके अंदर रिटन आपका जो टेक्स्ट है वो उसको एनालिसिस नजर आता है। तो मेरा ख्याल है कि रिटन टेक्स्ट और जो स्पोकन टेक्स्ट होता है उसमें तो फर्क होता है। तो जनरली जो हम, मैंने जब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स पढ़ी थी तो जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे इसके बारे में हुई, उसमें रिकॉर्डेड डाटा को करके उसको अगर ट्रांसक्राइब करके उसका एनालिसिस किया जाए तो क्या डिफरेंट नहीं होंगी चीजें? बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में ये भी फायदा है कि हम जिस तरह का, जिस डोमेन का डाटा देंगे, अगर न्यूज़पेपर का डाटा देंगे तो वो उसके हिसाब से सेमेंटिक्स समझने की कोशिश करेगा, अगर उसे सोशल मीडिया का डाटा देंगे तो वो उस तरीके से समझने की कोशिश करेगा, और अगर ट्रांसक्राइब करके देंगे तो उस किस्म से समझने की कोशिश करेगा। तो इवन हम जो अगर कोई स्लैंग वर्ड्स आम स्पीच में इस्तेमाल करते हैं, जो जब अखबार के लिए लिख रहे होंगे वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जब स्टोरी लिख रहे होंगे, नॉवेल लिख रहे होंगे तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो स्पीच कॉर्पस में के जरिए हम उसकी भी सेमेंटिक्स देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली डील हो जाती हैं कि अगर आप अपने डोमेन का रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पस दे दें तो वो लर्न कर लेगा। तो ये इसका फायदा है कि बायस्ड कोई एक रिसोर्स बना हुआ बायस्ड रिसोर्स नहीं है, आपके पास एक टूल मौजूद है, अपनी पसंद का कॉर्पस दे अपनी डोमेन का कि मुझे इसकी सेमेंटिक्स देखनी है, और वो सेमेंटिक्स डील हो जाएगी। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड में होता किस तरह से है उसको लर्न करने के लिए अगर आप इस पर फोकस करें तो आपको ये लगेगा कि नॉवेल वर्ड थ्री और वर्ड फोर, नॉवेल थ्री वन और टू में तो आए हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा आए, लेकिन वो नॉवेल थ्री एंड फोर में बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं आए। तो वर्ड थ्री और वर्ड फोर में कुछ सिमिलैरिटी है कि वो नॉवेल वन और टू में ज़्यादा दफ़ा आए हैं और नॉवेल थ्री और फोर में ज़्यादा दफ़ा नहीं आए। और इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि नॉवेल वन और नॉवेल टू सिमिलर हैं क्योंकि इसमें वर्ड और थ्री और फोर आते हैं, और वो वर्ड सिर्फ इन दोनों में आते हैं और नॉवेल थ्री और फोर में नहीं आते। तो ये दोनों सेमेंटिकली सिमिलर हैं, नॉवेल वन और टू और नॉवेल थ्री एंड फोर सिमिलर है। तो कंप्यूटर इसी में कि कौन से वर्ड्स की, ये आप वर्ड थ्री को देखें तो उसमें पहला नॉवेल वन 36 में वो 36 टाइम्स आया है, नॉवेल टू में 58 टाइम्स आया है, नॉवेल थ्री में 1 टाइम्स आया है, नॉवेल फोर में 4 टाइम्स आया है। तो ये चार वैल्यूज हैं, इनको मैथमेटिकली वेक्टर कहते हैं कि डिफरेंट डायमेंशंस के ये वेक्टर हैं, ये 4 डायमेंशन वेक्टर है। तो हम ये देखते हैं कि वो वर्ड सिमिलर होंगे जिनके वेक्टर्स सिमिलर होंगे। तो वर्ड थ्री और वर्ड फोर सिमिलर है, जहाँ वर्ड थ्री की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ वर्ड फोर की वैल्यू भी ज़्यादा है, जहां वर्ड थ्री की वैल्यू कम है नॉवेल थ्री में वहां वर्ड फोर की वैल्यू भी कम है। वर्ड थ्री और वर्ड टू सिमिलर नहीं है, क्यों? वर्ड थ्री एक दफा आया नॉवेल थ्री में लेकिन वर्ड टू 62 टाइम्स आया है, तो ये एक तरह से बिहेव नहीं कर रहा।
तो जस्ट हम फ्रीक्वेंसी देखकर, हमने कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी देखकर ये फैसला कर सकता है कि कौन से वर्ड सिमिलर हैं और कौन से वर्ड सिमिलर नहीं है। तो उसने ये देख लिया कि ये वर्ड थ्री और फोर कुछ सिमिलर हैं, और इसके साथ उसने ये भी देख लिया कि वर्ड वन जो है वो नॉवेल थ्री एंड फोर में ज्यादा आया है और नॉवेल वन और टू में बहुत कम आया है। तो कंप्यूटर ने ये कंक्लूजन क्या निकाल सकता है, वर्ड थ्री एंड फोर बिहेव सिमिलरली, जिस नॉवेल अगर वो एक नॉवेल में ज्यादा आएंगे तो दूसरे नॉवेल, एक नॉवेल में अगर वर्ड थ्री ज्यादा होगा तो वर्ड फोर भी ज्यादा होगा, और किसी नॉवेल में वर्ड थ्री कम होगा तो वर्ड फोर भी कम होगा। वर्ड वन बिहेव डिफरेंटली देन वर्ड थ्री एंड वर्ड फोर, अच्छा वर्ड वन डिफरेंटली बल्कि एक तरह से अपोजिट है कि अगर वर्ड थ्री ज्यादा है तो वर्ड वन बहुत कम है। अब वर्ड थ्री नॉवेल वन में 36 टाइम्स है तो वर्ड वन उसमें सिर्फ वन टाइम्स आया है, उसके मुकाबले में नॉवेल थ्री में वर्ड थ्री एक दफा आया है तो वर्ड वन एकदम से 7 दफा आ गया, तो वो उससे डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो इससे हमने लर्न कर लिया कि थ्री एंड फोर सिमिलर है और वर्ड वन सिमिलर है। कंप्यूटर सिर्फ ये लर्न करता है ये सिमिलर है, क्या सिमिलरिटी है ये हमें, ये कंप्यूटर को नहीं पता, ये हम ह्यूमंस को इंटरप्रेट करना होता है। तो ये बेसिकली छोटा सा सेट था शेक्सपियर के नॉवेल्स का। तो वर्ड थ्री और फोर जो थे वो फूल और विड थे जो सिमिलर हैं, और वर्ड वन जो था वो बैटल था। तो बैटल जूलियस सीजर और हेनरी फाइव जैसे नॉवेल्स में ज्यादा आया था, फूल और विड जो है वो एस यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट में ज्यादा आए थे। तो वर्ड्स जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को देख के फैसला कर सकते हैं, ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये एक जैसे वर्ड्स हैं, जैसे फूल और विट एक जैसे वर्ड्स हैं। तो ये इसका जस्ट आइडिया था। और उसके बाद हम इसको, क्योंकि ये वेक्टर सेमेंटिक्स कहलाता है, हमने ये जो भी ये रॉज लिखी हुई है वो एक वैक्टर है। वैक्टर क्या होता है कि नंबर्स, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ नंबर्स, तो इन वेक्टर्स को हम ड्रॉ भी कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आज मेरे ख्याल में मैं इसे जल्दी ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। तो मैथमेटिकली इसे ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर इन वेक्टर्स को हमने ड्रॉ किया तो सिमिलर वर्ड्स एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे जूलियस सीजर और हेनरी फाइव ये दोनों नॉवल एक दूसरे से करीब हैं, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट ये दोनों नॉवल्स एक दूसरे से करीब हैं। तो ये जो वेक्टर्स बनते हैं उसे हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ग्राफ पे ड्रॉ करके या उस पर ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन करके हम ये बता देते हैं कि कौन से वर्ड सिमिलर हैं और कौन से वर्ड सिमिलर नहीं। अच्छा, ये जो अभी बना था पीछे उसका नाम था टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स। एक तरफ टर्म लिखी हुई थी और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट थी। अगर आप यहाँ देखें तो बैटल, गुड, फूल और विट ये टर्म्स हैं, और एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, जूलियस सीजर ये डॉक्यूमेंट है। तो ये टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स थी। फिर हम टर्म मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि कौन से वर्ड एक साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल दो दफा कंप्यूटर के साथ आया है, एक दफा डेटा के साथ आया है, पिंच के साथ डिजिटल नहीं आया, रिजल्ट के साथ एक दफा आया है, शुगर के साथ जीरो टाइम्स आया। शुगर किन किन के साथ आएगी, शुगर एप्रिकॉट के साथ अकर होगी, पिन पाइनएप्पल के साथ अकर होगी। तो जो वर्ड एक साथ अकर होते हैं वो सेमेंटिकली सिमिलर होंगे, जो वर्ड एक साथ अकर नहीं होते वो सेमेंटिकली सिमिलर नहीं होते। तो हमें टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि टर्म मैट्रिक्स बनाएं, और फिर जिन वर्ड्स के वैक्टर सेम हैं, जैसे डिजिटल और इंफॉर्मेशन के वैक्टर सेम है, डिजिटल कंप्यूटर के साथ आता है और इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर के साथ आता है, डिजिटल डेटा के साथ आता है और इंफॉर्मेशन भी डेटा के साथ आता है, इसी तरह से एप्रिकॉट और पाइनएप्पल के सेम के वेक्टर सेम है, एप्रिकॉट और पाइनएप्पल डेटा के साथ नहीं आते, पिंच के साथ आते हैं, रिजल्ट के साथ नहीं आते और शुगर के साथ आते। तो ये सिमिलरिटीज देख कर कंप्यूटर खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकता है कि कौन से वर्ड वेक्टर सिमिलर हैं और कौन से वर्ड वेक्टर सिमिलर नहीं है। तो कंप्यूटर का काम यह है कि बड़े कॉर्पस को प्रोसेस करे और उसमें से उनके वर्ड वेक्टर्स बना दे, और उन वर्ड वेक्टर्स में से जो वेक्टर्स एक दूसरे से करीब होंगे वो सेमेंटिकली सिमिलर होंगे, और जो एक दूसरे से करीब नहीं होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे। जितने ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से वो सिमिलर नहीं होंगे। इसीलिए ये ड्रॉ करके बताया गया था कि ये दोनों नॉवेल जूलियस सीजर और हेनरी फाइव
स्पेस पे एक दूसरे से करीब हैं, जब इन डायमेंशंस को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे या ज्योमेट्रिकली इन्हें कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों करीब होते हैं और एज यू लाइक इट जूलियस सीजर से बहुत दूर है और एज यू लाइक इट 12th नाइट से बहुत करीब है। तो हम और भी कर सकते हैं, मेरे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट के मैंने वेक्टर्स बना लिया और उसके बाद देख लिया कि कौन से वेक्टर्स मेरी डॉक्यूमेंट से करीब तरीन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मेरी डॉक्यूमेंट से सेमेंटिकली सिमिलर है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर, वर्ड सिमिलरिटी और रिलेटेडनेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मीन्स ऑफ दीज वेक्टर्स। अच्छा, अब मेजर टूल जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो सिर्फ इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए था कि कंप्यूटर इस तरीके से करता है। इस वक्त जो मेजर टूल इस्तेमाल हो रहे हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हुए वर्क टू वैक, फास्ट टेक्स्ट और एल्मो और अब तो बर्ट भी ये वेक्टर्स बनाते हैं और डेंस वेक्टर्स बनाते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें पिछले वाले वेक्टर से तो पिछले वाले वेक्टर डेंस वेक्टर्स नहीं है बल्कि स्पार्स वेक्टर्स हैं। आप एप्रिकॉट में देखें तो पहला आर्टवर्क जीरो है, कंप्यूटर जीरो है, डाटा जीरो है, पिंच वन है, रिजल्ट जीरो है, तो बहुत ज्यादा जीरो है। यानी हर वर्ड के साथ अकर नहीं होता। अगर ये 50,000 वर्ड्स बाय 50,000 वर्ड्स है, हर वर्ड को हर वर्ड से देखा जाए तो हो सकता है कि एप्रिकॉट मुश्किल से 200 वर्ड्स के साथ अकर हुआ हो, 400 वर्ड के साथ अकर हुआ हो या 1000 वर्ड के साथ अकर हुआ हो, लेकिन ज्यादातर वर्ड्स में जीरो ही लिखा हुआ होगा। तो ये इसे कहते हैं स्पार्स वेक्टर। मॉडर्न दौर में इसके बजाय डेंस वेक्टर्स बनाए जाते हैं कि कंप्यूटर खुद लर्न करता है वेक्टर्स। 100 डायमेंशंस हम दे देते हैं और कंप्यूटर उन डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली लर्न करता है बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। नॉर्मली वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कौन सा वर्ड किस वर्ड के लुक के आसपास कॉन्टेक्स्ट में अकर हो सकता है और उस अकर इस प्रेडिक्शन के लिए वो जो फीचर्स बनाता है, जो वेट्स लर्न करता है, न्यूरल नेटवर्क्स जो वेट लर्न करता है, उनको हम वर्ड एम्बेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास 100 डायमेंशन के वेक्टर होते हैं, वरना अगर हम पिछला तरीका इस्तेमाल करें तो और हमारे पास 50,000 वर्ड्स हों तो हमें 50,000 डायमेंशन का वेक्टर बनाना पड़ेगा। और ये न्यूरल नेटवर्क्स मेथड बहुत अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल और इससे जो चीज़ रिजल्ट बनता है उसे वर्ड एम्बेडिंग कहते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटीज के बेस पर टॉपिक मॉडल्स वगैरह भी बने हैं। तो जो न्यूरल नेटवर्क मेथड्स हैं इस इन दोनों चीज़ों को बल्कि टॉपिक मॉडल्स को भी अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सिर्फ एक कॉर्पस चाहिए। आप अपने डोमेन का कॉर्पस ले लें, अगर आपको सोशल मीडिया को डील करना है तो सोशल मीडिया का कॉर्पस ले लें, अगर आपको न्यूज़पेपर डाटा डील करना है तो न्यूज़पेपर डाटा का कॉर्पस ले लें, अगर आपको रिलीजियस टेक्स्ट को डील करना है तो रिलीजियस टेक्स्ट का डाटा ले लें, अगर आपको बायोलॉजी की किताब का सेमेंटिक मॉडल बनाना है बायोलॉजी का तो बायोलॉजी का कॉर्पस ले लें, तो जिस फील्ड का डोमेन को आपको डील करना है उस डोमेन का कॉर्पस लेकर आप उसमें से सेमेंटिक्स लर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स भी और बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटीज भी। सेमेंटिक्स लर्न किस तरह से होती हैं आगे मैंने ये मैंने पहले भी शेयर किया था कुछ लोगों के साथ, सॉरी ये एक पूरा कोड है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा और किसी दिन मैं आप लोगों से ये डिस्कस भी करूंगा कि वर्ड एम्बेडिंग किस तरह से होती है। आज तो शायद हमारे पास हमें टाइम ना मिले। तो 10-12 लाइन का कोड होता है जिसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक कॉर्पस प्रोवाइड कर दें तो वो ये चीज़ें लर्न कर लेगा जो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। क्या लर्न कर लेगा? हमने कॉर्पस दिया, उर्दू का बहुत बड़ा कॉर्पस जमा किया, उसे वर्क टू वैक एक टूल है उसे दिया, उसने वर्क टू वैक टूल ने उर्दू की सेमेंटिक्स लर्न कर ली, यानी उर्दू के डिफरेंट वर्ड्स की के वेक्टर्स लर्न कर लिया। सूरज का उसने एक वेक्टर लर्न कर लिया सेमेंटिक वेक्टर, चांद का वेक्टर सेमेंटिक वेक्टर लर्न कर लिया, कंप्यूटर उसमें आ रहा है तो कंप्यूटर का, किताब का, सड़क का, इन सब चीज़ों के उसने वेक्टर्स लर्न कर लिए। अच्छा, वेक्टर्स इस तरह से बनते हैं कि जो कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं वो एक दूसरे से करीब होते हैं। नॉर्मली आप इंग्लिश में कहें कि लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई चीज़ सिमिलर, अगर वर्ड देखें वर्ड लैपटॉप और वर्ड
कंप्यूटर और किसी ऐसे शख्स को जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे बताएं तो वो कहेगा नहीं मुझे तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं लगता। या बिग और लार्ज है, किसी ऐसे शख्स को जिसे इंग्लिश नहीं आ रही उससे उससे कहें कि क्या बिग और लार्ज तुम्हें एक जैसे लफ्ज लगते हैं, तो वो ये कहेगा मुझे बिल्कुल नहीं लगते क्योंकि इनकी सरफेस फॉर्म में कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, लेकिन ये लॉजिकली सेमेंटिकली सिमिलर है। तो वर्ड वैक्टर्स में जो चीज़ लर्न होती है उनकी वो लॉजिकली ये सिमिलर हैं, वो चीज़ वो वैक्टर्स में रिप्रेजेंट होती है। तो बिग और लार्ज के वैक्टर्स एक जैसे होंगे, सूरज और चांद के वैक्टर्स एक जैसे होंगे, एंड सो ऑन। तो हमने मॉडल डॉट मोस्ट सिमिलर सूरज का देखा और टॉप 15 तो सूरज से मोस्ट सिमिलर वर्ड जो कॉर्पस बता रहा है वो चांद है। अच्छा, सिमिलर यहाँ पर ये सैनोनिम नहीं होता, वर्ड टू वर्ड की प्रॉब्लम ये है कि ये सैनोनिम आपको नहीं बताता बल्कि सिमिलर एंड रिलेटेड वर्ड बताता है कि सूरज और चांद रिलेटेड वर्ड्स हैं। इसका एक और फायदा है, जैसे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं करनी पड़ती, ये बहुत बड़ा कॉर्पस था, बाद में सीन वाव रेजिम लिख रहे हैं, बाद में सीन के ऊपर पेश लगा रहे हैं, जो सू बता रहे हैं कि ये सूरज है, तो वो जो ये कंप्यूटर के लिए दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक पे पेश है और एक पे पेश नहीं है। लेकिन कंप्यूटर इसे लेकिन उसने लर्न कर लिया जिसमें पेश वाला सूरज इस्तेमाल होता है खाली सूरज भी उसी सेंस में इस्तेमाल होता है, तो ये उसने ऑटोमेटिक लर्न कर लिया। वरना नॉर्मली हमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में नॉर्मलाइजेशन टूल्स लिखने पड़ते हैं कि सारे जबर जेर पेश हटा दो, अलिफ मदा को इस तरह से डील कर लो, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन से हम बच गए। चांद, सूरज, आफ्ताब, महताब, तारे, सितारों, ये इससे सिमिलर वर्ड्स हैं। अब एक दो स्लाइड के बाद मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसे हम इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। ये बन गया। इसी तरीके से हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं कि ये 100 डायमेंशन या 300 डायमेंशन का वेक्टर्स तो बन गए, लेकिन 100 डायमेंशन को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 100 डायमेंशन को किसी तरह से कंप्लीट आपने ट्रांसफॉर्म किया 2 डायमेंशन में, और ये उसी का कुछ वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया है कि ग्राफ पर वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उसने लर्न किया है, लेकिन शुमाल, मशरक, जुनूब, मगरब चारों जो सिमतें हैं, डायरेक्शंस हैं, वो चारों एक दूसरे से करीब हैं। अच्छा, उसके बाद देखें शुमाली, जुनूबी, वस्ती, मशरकी, मगरबी थोड़ा सा दूर चला गया, ये एक साथ है, एशिया, अफ्रीका और एक साथ है। भारत देखें, भारत, हिंद, हिंदुस्तान, एक ही कॉन्सेप्ट के तीन डिफरेंट नाम हैं और वो तीनों मौजूद हैं करीब करीब। अमेरिका की दो अल्टरनेट स्पेलिंग है, एक में अलिफ के साथ और एक में हे के साथ, वो दोनों स्पेलिंग्स मौजूद हैं। तो इसमें सिस्टम ने ऑटोमेटिकली लर्न कर लिया, और यहाँ पर अब आपको वो पता चलेगा कि जो पहले आपने सवाल किया था कि क्या जबान और लिसान जो है इस स्पेस में अगर एक दूसरे से करीब आ रही हैं तो इसका मतलब है वो एक सेम सेंस को बिलोंग करती हैं। अगर वो एक दूसरे से करीब नहीं है, या जीभ और लिसान जो है अगर एक दूसरे से करीब नहीं है, तो इसका मतलब है वो एक सेंस को बिलोंग नहीं करती, एक सिंसेट में उन्हें नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो ये नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, इसके इससे और क्या कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड से, इस क्योंकि ये मैथमेटिकल वैक्टर्स हैं तो हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग माइनस मैन प्लस वोमैन, आपके ख्याल में ये कैलकुलेशन की जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, यानी किंग में से मैन निकाल दिया जाए और वुमेन ऐड कर दिया जाए, तो इसका आंसर आपके ख्याल में क्या होगा? क्वीन, क्वीन। तो जब इसे इंग्लिश, जर्मन, उर्दू और बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए किया तो ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो देता है वो मलका, उर्दू में उसने मलका दिया, इंग्लिश में वो क्वीन देता है। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे कंप्यूटेशन कर सकते हैं इस सेमेंटिक्स पर, जो नॉर्मली नहीं हो सकती। नॉर्मली इंग्लिश पे लोगों ने ये काम किया कि फ्रांस माइनस पेरिस, नहीं बल्कि कैपिटल फ्रांस में से पेरिस माइनस करके, मैं देख के बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, एक टूल तो ये हो गया वर्ड टू वर्ड वर्ड एम्बेडिंग्स के, और एक बात मैं बता दूं कि इसमें ये दोनों तीनों में फर्क क्या है। वर्ड टू वर्ड गूगल का है
और ये पूरे वर्ड्स पे काम करता है। फास्ट टेक्स्ट पूरे वर्ड पे काम नहीं करता बल्कि सब वर्ड्स पे भी काम करता है। जैसे तो किताब, किताबों, किताबें, क्या इन दोनों की सेमेंटिक सेम होनी चाहिए? यानी ये तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो इन तीनों को वो अलहदा अलहदा वर्ड्स के तौर पर डील करेगा। फास्ट टेक्स्ट ये करता है कि वो करेक्टर एनग्राम्स बनाता है, वो काफ्ते के भी सेमेंटिक्स लर्न करने की कोशिश करेगा कि काफ्ते किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, काफ्ते अलिफ किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, काफ्ते अलिफ बे किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, काफ्ते बे अलिफ। तो ये इनमें से हर एक को हम बता देते हैं कि अब दो करेक्टर से स्टार्ट करें और छह करेक्टर तक चले जाएं, उसके सारे कम्बिनेशन बनाता है और हर एक की सेमेंटिक्स नोट करने की कोशिश करता है। तो वो सब वर्ड किताब को भी रिकग्नाइज कर सकता है कि सब वर्ड किताब की सेमेंटिक क्या है, किताब, किताबें, किताबों। तो ये क्योंकि इंग्लिश में तो मॉर्फोलॉजी रिच नहीं होती, वरना मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में हमने देखा था कि टर्किश हो गई, जर्मन हो गई, उर्दू हो गई, इसमें बहुत रिच मॉर्फोलॉजी है। तो इसलिए वो सब वर्ड्स पे भी काम करता है कि वर्ड्स के दो दो करेक्टर्स के पीसेस, तीन तीन करेक्टर्स के पीसेस, चार चार करेक्टर के पीसेस बना दिए और उन वर्ड्स की सेमेंटिक्स, उन सब वर्ड्स की सेमेंटिक्स भी लर्न करने की कोशिश की और उसमें से भी उसे बहुत चीजें सिमिलर मिल जाती हैं। एक इसमें फास्ट टेक्स्ट में है कि क्या फास्ट टेक्स्ट अच्छा चलता है या बुरा चलता है। मैंने जितनी चीजें देखी हैं, एक दफा स्टूडेंट्स का असाइनमेंट भी देखा था, तो वो ओवर जनरेट कर रहा था, यानी मॉर्फोलॉजी को बार दफा बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था, उसे मॉर्फोलॉजी को इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उसको सेट करने की कि हम अभी किसी को तफसील से डिस्कस इसका एनालिसिस करना चाहिए कि वर्ड टू बैक और फास्ट टेक्स्ट में से कौन सा अच्छा चलता है। दूसरी चीज है टॉपिक मॉडल, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है और इसमें अभी तो हम हर वर्ड की अलहदा से वेक्टर मालूम कर रहे हैं वर्ड एम्बेडिंग सिस्टम में, जिसकी वर्ड टू बैक और फास्ट टेक्स्ट एग्जांपल है। एक बात यह है कि टॉपिक मॉडल, यहाँ पर टॉपिक का मतलब यह है सेट ऑफ सिमिलर वर्ड्स, एक डोमेन के वर्ड्स हम डील कर लें। एक डोमेन के वर्ड्स मालूम करने के लिए, फॉर एग्जांपल, ये पाकिस्तान के उर्दू न्यूज़पेपर्स पे काम हुआ था और उसमें 10 टॉपिक्स उसने सेलेक्ट करके दिए। एक टॉपिक में रुपए, टैक्स, पाकिस्तान है, दूसरे टॉपिक में, तो टॉपिक हो सकता है बहुत अच्छे टर्म का नाम ना हो, सकता है मिसनॉमर हो, लेकिन इसका मकसद यह है कि सिमिलर वर्ड्स का सेट, सिमिलर टर्म्स का सेट, सियासी, पार्टी, आवाम, इंतखाबात एक साथ आ रहे हैं, कराची, पुलिस, सिंध, अफराद एक साथ आ रहा है। ये तकरीबन 2012-13 का कॉर्पस है, तो जनरल, मुशर्रफ, सदर, परवेज ये एक साथ आ रहे हैं, तो सिमिलर वर्ड्स एक टॉपिक के अंडर में आ जाते हैं, तो हमारे पास एक तरह की सेमेंटिक फील्ड्स हम ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हैं कॉर्पस देखकर, टॉपिक मॉडल के जरिए। अच्छा, इसी तरह से एलडीए गाइडेड भी हो सकता है कि हम सीड वर्ड्स दे दें। सीड वर्ड्स क्या दे दें? फॉर एग्जांपल, हमने ये कह दिया कि मुझे पता है मेरे पास एक टॉपिक ये है या एक डोमेन सेमेंटिक फील्ड ये है, गेम, टीम, विन, प्लेयर, सीजन, सेकंड। अब इस जैसे और वर्ड्स ढूंढ के ले आओ। एक है मेरे पास परसेंट, कंपनी, मार्केट, प्राइस, सेल, इस जैसे और वर्ड्स ढूंढ के ले आए। फिर म्यूजिक, राइट, आर्ट, बुक, ये वर्ड्स मेरे पास सीड वर्ड्स हैं कि मुझे पता है ये सिमिलर वर्ड्स हैं। अब इस जैसे और वर्ड्स ढूंढ के ले आए। तो कंप्यूटर को हमने कॉर्पस दिया और ये सीड वर्ड्स दे दिए कि टॉपिक जीरो के सीड वर्ड्स ये हैं, टॉपिक वन के सीड वर्ड्स ये हैं। अब हमें इस जैसे दूसरे वर्ड्स सर्च करने हैं। गाइडेड एलडीए चलेगा और उसके बाद वो इसे इन्हांस कर देगा। जैसे गेम वाले टॉपिक जीरो में उसने 3 नए वर्ड्स ऐड कर दिए, प्ले, पॉइंट और स्टार्ट, जो उस सेमेंटिक फील्ड से रिलेटेड है। टॉपिक वन जो कंपनी, पर्सन, मार्केट, प्राइस वाली थी, उसमें उसने एग्जेक्टिव, पे, प्लान, सेल, जो रेड वाले हैं, इन्हें ऐड कर दिया। टॉपिक टू, म्यूजिक, राइट, बुक वगैरह में उसने प्ले, लाइफ, मैन, प्लेस, ये चीजें ऐड कर दी। तो हम एक तो उससे कह दें कि अनसुपरवाइज्ड बात कर दें कि बस ये आपके पास डेटा मौजूद है, इसमें से आप अपनी मर्जी से आपको जो टॉपिक्स लगे वो सेलेक्ट कर लें। दूसरा ये है कि हमने शुरू में सीड टॉपिक्स दे दिए और उन सीड टॉपिक्स को यूज करते हुए
उन टॉपिक लिस्ट को वो एनहांस करता जा रहा है। अब ये कि ये कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल कहाँ हो, यानी हम खासतौर पे इसे इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। पहली बात ये जो दोनों टूल्स हैं, फाइंडिंग सेमेंटिक फील्ड्स टॉपिक मॉडल्स के जरिए हम सेमेंटिक फील्ड्स डिफरेंट मालूम कर सकते हैं। सेमेंटिक फील्ड्स डिफाइन की गई हैं, सेमेंटिक लेक्सिकॉन, सेमेंटिक फील्ड बेस्ड लेक्सिकॉन भी बन रहे हैं, बल्कि वो जो UCL वाला शुरू में मैंने बताया था उसका उर्दू वाला भी बन रहा है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन किसी स्टूडेंट का PhD थीसिस है। लेकिन ये बैठ के फिर वही डिक्शनरीज देख के लोग बताते हैं कि कंप्यूटर की सेमेंटिक फील्ड में ये वर्ड्स होंगे और क्रिकेट की सेमेंटिक फील्ड में ये वर्ड्स होंगे और एजुकेशन की सेमेंटिक फील्ड में ये वर्ड्स होंगे। हम उसके बजाय न्यूज़पेपर का डाटा या इंसाइक्लोपीडिया का डाटा कंप्यूटर को इनपुट दे दें और वो टॉपिक्स ऑटोमेटिकली लर्न कर लें, तो वो सेमेंटिक फील्ड्स हम ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यूज़पेपर की सेमेंटिक फील्ड्स आपको बताएं कि न्यूज़पेपर में ये इस्तेमाल होगी। इसके अलावा वर्ड टू वैक में वो सेट नहीं बनाता, लेकिन हम उसकी क्लस्टरिंग कर सकते हैं। क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, तो हम वर्ड वैक्टर्स की अगर क्लस्टरिंग कर दें तो हमें वो हमें रिजल्ट दे सकता है कि कौन से वर्ड्स सिमिलर हैं। उसके अलावा ये तो फ्रॉम जीरो है। फॉर एग्जांपल मैं किसी पश्तो का वर्ड नेट बनाने जा रहा हूँ या सेमेंटिक रिसोर्स बनाने जा रहा हूँ, मुझे पश्तो नहीं आती, तो जस्ट मैं पश्तो का कॉर्पस जमा करूँगा और उस पर टॉपिक मॉडल्स बना लूँगा, उसी कॉर्पस से मैं उसके वर्ड टू वैक वैक्टर्स बना लूँगा, उन्हें क्लस्टर कर दूंगा और फिर मैंने किसी पश्तो स्पीकर को लिस्ट करके दे दिया कि ये तुम्हारे ख्याल में ये चीज़ मौजूद है, किस वर्ड्स को निकाल दें, किस वर्ड को डाल दें। तो फर्स्ट स्क्रैच 80% आपके पास बना हुआ बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको बैठ कर 10 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी या 10 नेटिव स्पीकर से बात नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छा खासा सिस्टम बना बनाया मिल जाएगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल पहले से जो वर्ड लिस्ट बनी हुई है, उर्दू वर्ड टू वैक बना हुआ है, उर्दू वर्ड नेट बना हुआ है, उर्दू सेंटिमेंट लेक्सिकॉन बना हुआ है, हम उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हम मजीद सिमिलर वर्ड के जबान के मजीद सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे, जबान और बोली मैंने दो दे दिए और उससे गाइडेड LDA से कह दिया अब इससे मिलते जुलते और वर्ड्स ढूंढ के ले आओ, कंप्यूटर और लैपटॉप दे दिया और उससे कहा गाइडेड LDA से कि इससे मिलते जुलते और वर्ड ढूंढ के ले आओ, या मुझे सूरज के बारे में वर्ड नेट पे लिखना है तो मैंने सूरज जो आपको मैंने पीछे बताया था वर्ड टू वैक का मॉडल है उसमें सूरज के सिमिलर वर्ड्स देखे, वर्ड देख के फिर मैंने फैसला कर लिया कि कौन से इसके सनोनिम हैं, सिंसेट में जाएंगे, कौन से इसका कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसका इसके साथ इजा रिलेशनशिप है, कौन से इसके यानी हाइपरनिम्स हैं, कौन से इसके मैरोनिम्स हैं, कौन सा सूरज के पार्ट्स हैं, या सूरज इज अ पार्ट ऑफ निज़ाम शमसी तो सन इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो इस तरह की क्या चीज़ें, तो ये हम वर्ड लिस्ट जो मौजूद हैं उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो उर्दू वर्ड नेट रखा हमने और उसमें उर्दू का वर्ड टू वैक मॉडल रखा और उर्दू वर्ड टू वैक मॉडल से देख के हमें फैसला कर सकते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐड तो नहीं करनी जो हमसे मिस हो गई। अच्छा जी, तो एक ये है, इसका मैं शेयर कर दूंगा, आज तो ज़ाहिर बहुत सारा टाइम हो गया, किसी और वक्त मैं आपसे ये भी शेयर कर दूंगा कि इसे आपके पास अगर कॉर्पस मौजूद हो तो ये वर्ड टू बैक मॉडल किस तरह से या फास्ट टेक्स्ट मॉडल किस तरह से बना सकते हैं, इसे 15-20 मिनट लगेंगे समझने में। लिमिटेशन है इसकी, द मेथड फाइंड रिलेटेड वर्ड्स, रिलेटेड वर्ड बताता है ये सेनोनिम एंटोनियम मेरोनियम हाइपरनिम इनको अलहदा अलहदा नहीं करता, सबसे बड़ा मसला। तो हमें कोई पोस्ट एडिटिंग की ज़रूरत होती है कि ह्यूमन इससे आइडिया ले ले और उसके बाद पोस्ट एडिटिंग कर ले। तो दस मेथड शुड बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग नॉट फाइनलाइजिंग द वर्ड लिस्ट, अक्सर इसमें कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं तो उसे हाथ से निकाल लें। एक और तरीका ये, इसे आप तीसरा मेथड कह लें कि रूल बेस्ड एक्विजिशन। अभी तो मैंने मशीन लर्निंग कहा था, लेकिन कंप्यूटेशन में कुछ एक्विजिशन ऐसी होती है कि कंप्यूटर अपने रूल्स खुद लर्न कर रहा होता है जो मशीन लर्निंग कहते हैं, कुछ रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि हम रूल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सेनोनिम अगर मेरे पास कॉर्पस मौजूद है और मैं
अगर मेरे पास कॉर्पस मौजूद है और मैं सेनोनिम लर्न करना चाहता हूँ या एंटोनिम लर्न करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं रूल बेस्ड सिस्टम भी बना सकता हूँ। हर्स्ट ने 1992 में ये आइडिया दिया था, और उसके बाद बहुत सारे उसके बाद लोगों ने थोड़ा बहुत इस पर काम किया हुआ है कि हम लैंग्वेज में पैटर्न देख लें। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोनिम इज अ रिलेशनशिप, तो एक्स एंड अदर वाई जब भी लिखा हुआ होगा तो इसका मकसद ये हो सकता है कि एक्स इज अ टाइप ऑफ वाई। जैसे लिखा हुआ टेम्पल्स, ट्रेजरीज एंड अदर इम्पॉर्टेंट सिविक बिल्डिंग्स, तो टेम्पल्स इज अ काइंड ऑफ सिविक बिल्डिंग, ट्रेजरी इज अ काइंड ऑफ सिविक बिल्डिंग। एक्स और अदर वाई, अगर हमारे पास ये आ रहा है ब्रोकन बोन्स और अदर इंजरीज, तो ब्रोकन बोन्स इज अ टाइप ऑफ इंजरीज। तो हमने कुछ पैटर्न्स बता दिए और एंडकॉम के जरिए या इस तरह के किसी और टूल के जरिए उनको सर्च कर लिया कि और अदर से पहले क्या आ रहा है और अदर के बाद क्या आ रहा है, और जो और अदर से पहले वाली चीज़ है वो काइंड ऑफ होगी और अदर के बाद वाली चीज़ के। वाई सच एज एक्स, द बोल्यूट सच एज द बाम्ब्रा, सच वाई एज एक्स। ठीक है, तो ये हम रूल्स बना सकते हैं और इन रूल्स की बेस पर भी एक्विजिशन हो सकती है। और हमारी लैंग्वेजेस के लिए, उर्दू के लिए कैसे क्या रूल्स होंगे, पंजाबी के लिए क्या रूल्स होंगे, एक पूरा काम यह है कि हम ये एक्विजिशन कर सकें। एक्विजिशन, रूल बेस्ड एक्विजिशन उस वक्त ज़रूरत होती है जब हमारे पास कॉर्पस बहुत बड़ा ना हो। मशीन लर्निंग चलने के लिए ज़रूरी ये होता है हमारे पास बहुत बड़ा कॉर्पस हो। अगर हमारे पास डेक्स बहुत ज़्यादा ना हो तो हमें रूल बेस्ड अप्रोच पर आना पड़ता है। तो एक ये रूल बेस्ड अप्रोच है, या फिर फिल्टर करने के लिए कि हमने सिनोनिम्स रिलेटेड वर्ड्स को मालूम कर लिए, रिलेटेड वर्ड्स में कौन सी टाइप ऑफ रिलेशन है, तो हमने ये देख लिया कि अगर वो हाइपोनिम है तो उनके दरमियान में ये वाले पैटर्न ज़्यादा होंगे, अगर वो मेरोनिम्स हैं तो उसमें कोई पैटर्न कुछ किसी और तरह के पैटर्न्स होंगे, अगर वो साइनोनिम है तो उसमें उस तरह के पैटर्न कुछ और होंगे। तो ये लिंग, तो हमने आज तीन डिफरेंट तरीके से सेमेंटिक्स और ख़ासतौर पर सेमेंटिक लेक्सिकॉन डील करना देख लिया। एक तरीका मैन्युअली हम सेमेंटिक बेस्ड लेक्सिकॉन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वर्डनेट क्रिएट होता है, जिस तरह से सेंटिमेंट या इमोशन लेक्सिकॉन क्रिएट होते हैं। दूसरा, मशीन लर्निंग से हम सेमेंटिक फीचर्स लर्न करते हैं वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग, वो हमने देख लिया। वर्ड उसमें वर्ड एम्बेडिंग एक टाइप है और दूसरी टाइप टॉपिक मॉडलिंग है। तीसरी चीज ब्रीफली हमने देखी कि अगर हमारे पास कॉर्पस मौजूद है लेकिन मशीन लर्निंग नहीं हम करना चाहते, या हम बहुत स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं कि सिर्फ हमें हाइपोनिम्स चाहिए या सिर्फ हमें सिनोनिम्स चाहिए, तो उसके लिए हम रूल बेस्ड एक्विजिशन भी कर सकते हैं कि हम रूल्स बना दें कि ये पैटर्न है, अगर दो वर्ड्स इस पैटर्न में अकर हो रहे हैं तो वो हाइपोनिम होंगे। सच वाई एज एक्स, सच ऑथर्स एज हैरे, गोल्ड स्मिथ एंड शेक्सपियर। तो सच के बाद आपके पास एक तरह से कंप्यूटर साइंस के हिसाब से पेरेंट क्लास आएगी, और एस के बाद चाइल्ड क्लास आएगी। तो हैरिक इज अ ऑथर, गोल्ड स्मिथ इज अ ऑथर एंड शेक्सपियर इज अ ऑथर। हम इन पैटर्न्स को डील कर सकते हैं। इन पैटर्न्स के लिए हमें उर्दू, पंजाबी, बलोची, उनके लिए भी इन पैटर्न्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक आइडिया यह है कि हम शॉर्टलिस्ट कर लें। एक वर्ड हमने सूरज लिखा और सूरज के हमने 25 मोस्ट रिलेटेड वर्ड्स वर्ड टू एक्स से मालूम कर लिए। अब उसमें से कौन से वर्ड का रिलेशन क्या है, उसके बाद हमने इस रूल बेस्ड अप्लाई कर दिया कि कॉर्पस से देख लो कि इसके सूरज के चांद के साथ हाइपोनिम रिलेशन है, सिनोनिम रिलेशन है, मेरोनिम रिलेशन है या कोई और रिलेशन है, सूरज का रोशनी के साथ क्या रिलेशन है एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। सेमेंटिक्स में जो हमने नहीं कवर किया वो ये है कि हमने पहले अगर सेंटेक्स एनालिसिस कर लिया है तो सेंटेक्स एनालिसिस पे बिल्ड करते हुए सेमेंटिक एनालिसिस का किस तरह से कर सकते हैं, खासतौर पे सेमेंटिक रोल्स। उसके लिए जब सेंटेक्स एनालिसिस हम कर लेंगे फिर आगे बात करेंगे। कोर्ट वर्ड टू वैक का मैंने शेयर किया हुआ था, उसे कभी बाद में किसी दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। तो एक आधे घंटे का सेशन कभी रखते हैं जिसमें
कि टूल्स कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिक मॉडल के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड टू वैक या वर्ड एम्बेडिंग के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको बता दूँ ताकि आपके पास अगर कॉर्पस मौजूद हो तो आप ये दोनों काम कर सकें। और ये बहुत आसान होते हैं, मिनटों में हो जाते हैं, सिर्फ आपको कॉर्पस प्रोवाइड करना पड़ता है और थोड़ी बहुत प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब तो सर आपने अभी ये जो मशीन लर्निंग यूजिंग कॉर्पस पे बात की है, सर ये जो वर्ड स्पेस मॉडल्स जो मैंने आपसे कुछ पहले एक पेपर शेयर किया था, ये उसी का एक पैटर्न मुझे लग रहा है। सर इस पे मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अगर उर्दू पे काम करना चाहें तो हम किस कॉर्पस को यूज करेंगे। आपने कहा जैसे कि पहले हम सिमेंटिक फील्ड निकालेंगे और सिमेंटिक फील्ड में सिमिलैरिटी तो बताएगा लेकिन क्या सिमेंटिक रिलेशन है ये नहीं बताएगा। उसके लिए आपने कहा कि रूल बेस आपको रूल बेस अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, तो सर इसके लिए कौन सा कॉर्पस यूज होगा और सिमेंटिक फील्ड के लिए फिर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? नहीं, सिमेंटिक फील्ड्स के लिए दो अलग अलग सवाल। एक बात तो यह कि सिमेंटिक फील्ड्स के लिए अभी कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं लेकिन उसमें सेमेंटिक फील्ड्स में लेक्सिकॉन मैन्युअली डिफाइन होता है। मैं सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि मशीन लर्निंग के थ्रू आपको वो सेमेंटिक फील्ड्स भी डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी और उसके लेक्सिकॉन भी डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे कि सेमेंटिक फील्ड में क्या है। आपका जो टॉपिक, आपका जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है उसका आपने कॉर्पस जमा किया और टॉपिक मॉडल को फीड कर दिया, वो टॉपिक्स जनरेट करके देगा। वो टॉपिक्स तकरीबन वही चीज होंगे जिसे लिंग्विस्टिक्स में या कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में जिसे सेमेंटिक फील्ड कहते हैं। तो टॉपिक मॉडल और सेमेंटिक फील्ड तकरीबन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन सेमेंटिक फील्ड्स जो हैं वो जाहिर डिक्शनरी बनाने वालों ने अपने हाथ से लिखी होती हैं, ये वो खुद लर्न करके दे देगा। तो जिस भी डोमेन को आपको डील करना है वो डील कर ले। दूसरा जो आपने वो जो एग्जाम्पल दी थी ना, एक और काम करने का है। आपने जो दो डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस की बात की थी, इस पे लोगों ने काम किया है। जैसे अभी हम वर्ड टू वैक की बात कर रहा था या वर्ड एम्बेडिंग की, उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि किसी वर्ड से के कॉन्टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इम्पोर्ट इधर ही अदर की बात कर रहे हैं तो अदर से आसपास वाले दो वर्ड्स देख रहे हैं या अदर के आसपास वाले चार वर्ड्स देख रहे हैं एंड सो ऑन। तो लोगों ने इस पे भी काम किया है कि आप क्या कॉन्टेक्स्ट विंडो दो वर्ड्स की है और जो पांच वर्ड्स की है उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। तो हम कोई शख्स ये भी तजुर्बा करके देख सकता है कि उसने दो वाली विंडो देखी, क्या इर्द-गिर्द के दो वर्ड्स देखने, इर्द-गिर्द के पांच वर्ड्स देखने, इर्द-गिर्द के दस वर्ड्स देखने और फिर जो सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं उसमें क्या फर्क आता है। तो एक सर आप इस पर रूल बेस आपने कहा कि आप एक कॉर्पस बना लें और फिर टॉपिक मॉडल में डाल दें तो वो आपके लिए सिमेंटिक फील्ड जनरेट कर देगा। हाँ। और उस फील्ड को यूज करते हुए आप किसी स्पेसिफिक पैटर्न को देखें रूल बेस अप्रोच के थ्रू के जो नेबरिंग टू वर्ड्स हैं या नेबरिंग थ्री वर्ड्स में क्या रिलेशन है, क्या मैं सही समझ रही हूँ सर? जी, जैसे ये आप देख लें उर्दू न्यूज़पेपर 2013 के न्यूज़पेपर 12 और 13 के, तो इसने जो चीज जनरेट की है इसे हम सेमेंटिक फील्ड कह सकते हैं। जी, जैसी तो और फिर उसमें हम ये देख सकते हैं कि कराची और सिंध में क्या रिलेशन है और कराची और पुलिस में क्या रिलेशन है एंड सो ऑन, पार्टी और आवाम में क्या रिलेशन है। तो इसमें हम कोई एक सेमेंटिक रिलेशन चूज कर सकते हैं जैसे हाइपोनिमी, एंटोनिमी या फिर मतलब क्या ये तो कहा जाता है कि तीन चार, ये तो फिर हमारी बात है कि हम क्या करेंगे। यानी दो तीन चीजें अलग अलग हमारे पास मौजूद है, टॉपिक मॉडल सिर्फ हमें ये प्रोवाइड कर देता है। वो जो पैटर्न बेस्ड है तो कुछ लोगों ने काम ये किया है जो हस्ट टाइप के पैटर्न्स बता दें इंग्लिश के लिए खासतौर पर या कुछ और लैंग्वेज के लिए कि ये टॉपिक्स हैं। अगर हम इन दोनों को मिला के कोई, मतलब ये मेरा एक सजेशन है कि इन दोनों को मिला के कोई
एक चीज बनाना चाहते हैं तो ये बन सकती है। क्योंकि सर जो हर्स ने बताया वो तो उसने सिमेंटिक फील्ड एक तरह से ड्रॉ किया है या वेक्टर्स की बेसिस पर के सिमेंटिक सिमिलैरिटी बता दी है मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान। नहीं, नहीं जिससे वो तो सिर्फ ये पैटर्न दे रहा है कि अगर y such as x होगा या such y as x होगा तो x और y में हाइपरनिमी होगी। अच्छा, यानी कि वो रूल बेस्ड अप्रोच हर्स का जो है वो रूल बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है वो ना। लेकिन सर रूल बेस्ड अप्रोच तक जाने के लिए जो जो पहले स्टेप्स हैं रूल बेस्ड अप्रोच की समझ आ गई कि इसमें एंड कॉन्क यूज होगा, आपने कुछ सिमिलैरिटी फाइंड की होगी तो उसमें आपको ये आपने पैटर्न सर्च करके आप देख लेंगे कि वो कौन सा सिमेंटिक रिलेशन है। लेकिन सर इससे ऊपर जो है क्या आपने टॉपिक मॉडल जो है टॉपिक मॉडल डिफाइन करना है किसी कॉर्पस का, असल बात तो यही है ना कि हमने स्टार्ट तो यहीं से लेना होगा कि हमने कोई कॉर्पस डिफाइन कर लिया और टॉपिक मॉडल यूज करते हुए हमने उसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो निकाल लिए या जिसको हम कहते हैं मैनुअल जबान में सिमेंटिक फील्ड निकाल ली, तो यही इसका पहला स्टेप होगा। हाँ, ये पहला स्टेप हो सकता है। इन अ वे ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं। टॉपिक मॉडल्स आपने मदा दिया जो एक तरह की सिमेंटिक फील्ड बन गई, और फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, मैंने एक साल के न्यूज़पेपर को का कॉर्पस लिया, उससे डिफरेंट टॉपिक्स बता दिए और फिर उसके बाद रोजाना बताने लगा कि इस टॉपिक पे आज इतनी न्यूज आई, आज चार न्यूज आई थी और इस टॉपिक पे आज छह न्यूज आई हैं और इस टॉपिक पे आज एक न्यूज आई है, तो कौन सा टॉपिक आजकल हॉट है और कौन सा टॉपिक नहीं है। अच्छा, फिर इसके एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन कुछ भी करते हैं, एक काम सिर्फ ये है कि आपको टॉपिक मॉडल बनाना है। तो उसके बाद फिर मैंने सजेस्ट किया कि जस्ट ये सजेशन है, किसी को थीसिस करना है तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आपने ये चीजें पिक की, टॉपिक मॉडल हो गए या वर्ड टू वैक्यू मॉडल हो गए कि सूरज के सिमिलर वर्ड्स आपके पास आ गए, 15 सिमिलर वर्ड्स आ गए, कराची लिखकर कराची के 15 सिमिलर वर्ड्स आ गए। अब कराची के साथ लाहौर भी आ रहा है, कराची के साथ पाकिस्तान भी आ रहा है, तो ये दोनों रिलेशन डिफरेंट है। तो वो कराची का लाहौर के साथ क्या रिलेशन है, कराची का पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, कराची का क्लिफ्टन के साथ क्या रिलेशन है, ये तीनों जो चीजें अलग अलग करना है डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हर्स्ट टाइप रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वर्ड एम्बेडिंग तो सिर्फ हमें बता देगा कि कराची से सिमिलर लाहौर भी है, पाकिस्तान भी है, क्लिफ्टन भी है। तो सर इस तरह तो फिर हम ये जो दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं टॉपिक मॉडल और रूल बेस्ड अप्रोच, जैसे आपने कहा दो इंडिपेंडेंट चीजें हैं जैसे जो मुझे समझ आया कि नहीं कि इस पर मुख्तलिफ अलग अलग थीसिस हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे भी कहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले टॉपिक मॉडल से जनरेट कर ले सिमेंटिक सिमिलैरिटी और फिर वर्ड टू वैक मॉडल या वर्ड टू वैक मॉडल के थ्रू चूज कर ले और फिर बाद में रूल बेस्ड अप्रोच यूज करे। तो सर ये कुछ ज्यादा ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो जाएगा काम, मतलब होना डिपेंड करता है, क्योंकि वर्ड एम्बेडिंग में और टॉपिक मॉडल में लोग ये कहेंगे कि अगर आप एल्गोरिथम को चेंज नहीं कर रहे या कोई मेजर चेंज नहीं कर रहे तो ये तो सिंपल सी बात है, 15 मिनट में हो जाता है, तो उसके टॉप पे आपने क्या किया, एक सवाल लोग ये पूछ सकते हैं। हाँ, यानी ये तो फिर बड़ा काम है या छोटा काम है, ये तो फिर जब वो पूरा प्रपोजल आता है उसकी बेस पे फैसला हो सकता है। लेकिन सर ये कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर करेगा ये, क्योंकि दो चीजों को मिला रहे हैं अगर हम, काफी इंटरेस्टिंग तो है, मुझे काफी इसमें इंटरेस्ट फील हो रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इसमें काफी परेशान हो रही हूँ कि अगर एक चीज सीखी जाती है जैसे टॉपिक मॉडल में कॉर्पस डाल के मैं सिमेंटिक फील्ड जनरेट कर लेती हूँ तो और उसके लिए भी ऑब्वियसली कुछ सॉफ्टवेयर होंगे जो कि सीखने होंगे कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के, तो सर ये टॉपिक मॉडल और वर्ड टू वैक ये पैरेलल चलेगा? चले, मैं मेरे ख्याल में इस पे हम ऑफलाइन बात कर लेंगे, कल बात कर लेते हैं इस पे। अच्छा सर, मैं आस्क वन क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉक्टर उस्मा क्यूरीज ऑल। सो सर, मुझे इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है दैट यू जस्ट एलैबोरेटेड वन थिंग दैट machine learning is one tool one way and other is rule based acquisition. और सर आपने ये भी फरमाया कि जो topic model है that is essentially based on
root based acquisition. Am I right in understanding this thing? Topic model और word embedding ये दोनों मशीन लर्निंग है. तो और रूट बेस्ड कौन सा है? रूल तो ये टॉपिक मॉडल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है और ये मशीन लर्निंग अप्रोच ही है. रूल बेस्ड ये जो रूल बेस्ड एक्विजिशन आखिरी स्लाइड में मैंने बताया ये वाले हर्स्ट लाइक अप्रोच है और क्या आप इस तरह के पैटर्न्स तो जिसमें आपने एग्जांपल दी थी एक्स एक्स एंड एक्स अदर वाई ये क्या है? इज इट टॉपिक मॉडल और रूल बेस्ड एक्विजिशन? ये रूल बेस्ड एक्विजिशन है. अच्छा मशीन लर्निंग क्या है और रूल बेस्ड क्या है ये मैं क्लियर कर दूं. मशीन लर्निंग का मकसद रूल बेस्ड का मकसद ये है कि हम लर्न तो कर रहे हैं लेकिन रूल्स हमने बनाए हुए हैं. हम ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई में हाइपरनेमी होगी अगर उनके दरमियान में एक्स और वाई के दरमियान में ये अगर एक्स और वाई इन पैटर्न्स को फुलफिल कर रहे होंगे तो इनमें हाइपरनेमी और हाइपरनेमी होगी वरना नहीं होगी. मशीन लर्निंग ये कहती है कि आप ये भी ना बताएं जस्ट आप टेक्स्ट दे दें वो खुद लर्न कर लेगा कि कौन से पैटर्न में सिमिलैरिटी है और कौन से पैटर्न में सिमिलैरिटी नहीं है. तो आपको पैटर्न्स भी नहीं बताने पड़े. वेरी ट्रू. तो रूल बेस्ड में आपको उसको कुछ ना कुछ तो हमें इनपुट देना होगा मशीन को कि मशीन इज सो इंटेलिजेंट दैट मशीन कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई द पैटर्न विदाउट बीइंग गिवन द इनपुट. तो सिमिलर जैसे हमने वहां पर हमने जैसे रूट बेस में उसको हमने पैटर्न दिए कि एक्स एक्स अदर वाई तो क्या इस किस्म का पैटर्न हमें मशीन को देना या डायरेक्ट हम उसको कमांड देंगे आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बुक्स सिनोनिम्स को आइडेंटिफाई करें या बुक का सेमांटिक फील्ड आइडेंटिफाई करें. कुछ तो ऐसा होगा ना कि हमें उसको देना होगा कोई ना कोई क्यों. नहीं प्रैक्टिकली कुछ नहीं सिर्फ आपके पास टेक्स्ट वर्ड एम्बेडिंग वालों को आपको टेक्स्ट देना होता है और टॉपिक मॉडल में टेक्स्ट देना होता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में. तो वो बेसिकली टॉपिक मॉडल ये देखता है कि कौन से वर्ड्स एक डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं. उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं देना पड़ता. और अगर आप कहें तो मैं अगली कभी मैं चला के भी दिखा दूं कि आप अपना कॉर्पस ला के रखें वहां पर और चलाएं और वो चल जाएगा. वो मैं आपसे शेयर कर